बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 19th लेक्चर है, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सिकेशन का टॉपिक पढ़ा था। आज चैप्टर नंबर 5 में से हमने टू टॉपिक्स पढ़ने हैं, फ्यूजन एंड इग्निशन। स्मॉल टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 में से टू टॉपिक स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्यूजन का टॉपिक स्टडी करते हैं। फ्यूजन, फ्यूजन किसे कहते हैं? फ्यूजन को हम एक तरह से मेल्टिंग भी कहते हैं, पिघलाना। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं। सॉलिड्स जो हैं इसमें सॉलिड्स जो हैं इसमें वो आ जाते हैं जो इजीली मेल्ट हो जाते हैं बाय हीटिंग। उनको हीट अप करें, थोड़े टेम्परेचर पे जो है वो उनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्यूजन में क्या होता है कि हम सॉलिड्स को हीट अप करते हैं जिससे वो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग के बाद जो है हम सॉलिड्स को मेल्टिंग के बाद उसको कंबाइन करते हैं। फ्यूजन के प्रोसेस में ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉलिड्स जो होते हैं जिनका आपस में मिक्सचर बनाना होता है, प्रिपरेशन में यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल ऑइंटमेंट बनानी है हमने, क्रीम बनानी है, तो हमारे पास उसकी बेस जो है वो टू या थ्री सॉलिड्स हैं। उसको सबसे पहले हम मेल्ट करेंगे फ्यूजन के प्रोसेस से, उसके बाद उसको हम कंबाइन करेंगे। सॉलिड्स जो हैं बेसिकली उसमें हमारे पास बीज वैक्सीज होती हैं या पैराफिन वैक्सीज हैं, इनको मेल्ट किया जाता है। इसके बाद हीट अप करने के बाद इसको फिर प्रिपरेशन उसकी बनाई जाती है। तो ये फ्यूजन का सिंपल इंट्रोडक्शन था कि फ्यूजन में होता क्या है। बेसिकली फ्यूजन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्यूजन प्रोसेस होता क्या है। डेफिनेशन, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड मेल्टिंग, इसको मेल्टिंग भी कहा जाता है। चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ सेमी सॉलिड और लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट, जिसमें हम सॉलिड को सेमी सॉलिड में या फिर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हीट के जरिए। तो फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेल्टिंग करते हैं सॉलिड्स की, कि वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए बाय अप्लाइंग हीट। इसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट एनी एडिंग एनी सॉल्वेंट। हम कोई सॉल्वेंट ऐड किए बगैर सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने लिक्विड्स को आगे फिर मिक्स करना होता है। सॉलिड फॉर्म में जो है वो मिक्स नहीं हो सकते पूरी तरह से, इसलिए हम उसको सॉलिड्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली मिक्स अप हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सॉलिड्स अंटिल दे मेल्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड्स को हीट अप करते हैं यहाँ तक कि वो मेल्ट हो जाएं, पिघल जाएं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। सो फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड्स को मेल्ट डाउन करते हैं कि वो सेमी सॉलिड में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, फिर उन लिक्विड्स को जो सॉलिड्स में को लिक्विड में कन्वर्ट किया उनको आपस में मिक्स किया जाए और उसको प्रिपरेशन में यूज़ किया जाए। तो ये जो है ये फ्यूजन का प्रोसेस है, किस तरह फ्यूजन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फ्यूजन में हम कौन से सॉलिड्स को बेसिकली मेल्ट करते हैं? उसमें बीज वैक्स आ जाती है, वूल फैट है, हार्ड पैराफिन, ये वैक्सीज हैं जिनको मेल्ट करते हैं। ये हार्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इनको सॉलिड फॉर्म में जो है डायरेक्ट प्रिपरेशन में यूज़ करना मुश्किल होता है। जब तक हम इसको मेल्ट डाउन नहीं करेंगे, उस वक्त तक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक प्रिपरेशन जो है हमारी तैयार नहीं होगी। तो
तो इसलिए इनको बीज वैक्स हैं या वूल फैट है या हार्ड पैराफिन है, इनको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है हीट करने के बाद, हीटिंग से। इसके बाद जो है इनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। ये एग्जांपल्स थी फ्यूजन की। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। फ्यूजन प्रोसेस इज एम्प्लॉयड व्हेन कंपोनेंट्स आर स्टेबल एट फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन प्रोसेस उन सब्सटेंसेस के लिए अप्लाई किया जाता है जिनका जो फ्यूजन टेम्परेचर जो है वो स्टेबल हो, उसमें स्टेबल रहे, डिकम्पोज ना हो जाए, उन सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है फ्यूजन में। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड व्हेन ओनली व्हेन ड्रग्स आर सॉलिड्स एंड सॉल्युबल इन ऑइंटमेंट बेसिस। जब ड्रग्स और सॉलिड जो हैं वो ऑइंटमेंट बेसिस में सॉल्युबल हों। ऑइंटमेंट बेसिस क्या होती हैं? ऑइंटमेंट बेसिस, ऑइंटमेंट को जब हम डोजेज फॉर्म में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ऑइंटमेंट बेसिस में बेस कहते हैं कि जिसके अंदर हम ड्रग्स को मिक्स करते हैं। एक बेस चाहिए होती है हमें जिसके अंदर हम ड्रग को मिक्स कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल्स में आपको बताया था, उसमें पैराफिन वैक्स है या बीज वैक्स है, तो ये जो है वैक्सीज, ये एज अ बेस के तौर पे, ऑइंटमेंट बेस के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है, इनको मेल्ट किया जाता है, उसके अंदर फिर ड्रग्स को मिक्स किया जाता है। नेचुरली हीट लबाइल सब्सटेंसेस एंड एनी अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर एडेड इन द लास्ट व्हेन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज लो। अब क्या किया जाता है, ऐसी ड्रग्स या ऐसी सब्सटेंसेस जो हीट लबाइल हैं, हीट सेंसिटिव हैं, उनको हम लास्ट में, एंड में इसको ऐड करते हैं ताकि वो डिकम्पोज ना हो जाए, उनको कोई नुकसान ना हो जाए। टेम्परेचर इज़ अबाउट 70 डिग्री टू 75 डिग्री एंड इज़ मेंटेन फॉर 5 टू 10 मिनट। टेम्परेचर जो है वो 70 टू 75 डिग्री तक जो है वो रखना होता है फ्यूजन के प्रोसेस में। 5 टू 10 मिनट्स जो हैं वो लगते हैं इसमें, उसको मेल्ट होने में। तो इतने टेम्परेचर में जो है ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन थी इसकी फ्यूजन की। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखते हैं कि प्रोसीजर जो है वो किस तरह इसका परफॉर्म किया जाता है। इन दिस मेथड द इंग्रेडिएंट्स आर मेल्टेड टुगेदर एंड स्टर्ड टू इंश्योर होमोजेनिटी। इस मेथड में क्या किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर वैक्सीज हैं, बीज वैक्स है या फिर पैराफिन वैक्स है, उनको सबसे पहले हम मेल्ट करेंगे और उसको हिलाते रहेंगे ताकि वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं और सही तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, टू इंश्योर होमोजेनिटी, के वो यकसां तौर पर जो है वो टू लिक्विड जो हैं वो मिक्स हो जाएं। इन केस ऑफ ऑइंटमेंट बेस, फॉर एग्जाम्पल वाइट वैक्स, फॉर एग्जाम्पल ऑइंटमेंट बेस, हमारे पास वाइट वैक्स है, इज लिक्विफाइड एंड सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर डिजॉल्व इन मोल्टन बेस मिक्सचर। सबसे पहले हमने ऑइंटमेंट बेस, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वाइट वैक्स है तो उसको पहले हम लिक्विफाई करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, और सॉल्युबल कंपोनेंट्स जो हैं जो उसमें हल हो जाएं उसको उसके अंदर डिजॉल्व कर लेंगे मोल्टन बेस मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर इज़ अलाउड टू कंजील बाय कूलिंग। मिक्सचर को इसके बाद, सबसे पहले हमने उसको वैक्सीज को, उसकी बेस को जो है मेल्ट किया है, उनको मिक्स किया है, उसके बाद उसके अंदर ड्रग ऐड कर दिया है, उसके बाद उसको ठंडा करना है। मिक्सचर इज़ अलाउड टू कंजील बाय कूलिंग। उस मिक्सचर को जो है वो कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, इसके बाद जो है हमारे पास ये तैयार हो जाती है। ये प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हमने उसको बेसिस को मेल्ट डाउन किया है, मिक्स कर दिया, उनको स्टिर किया है, लिक्विड फाइड में कन्वर्ट किया है, उसके बाद जो ड्रग है या जिस पर सब्सटेंसेस उसमें ऐड करने हैं वो ऐड किए, उसके बाद उसको कूल डाउन कर दिया। ऑन स्मॉल स्केल फ्यूजन इज कैरीड आउट इन एन एवेपोरेटिंग बेसन मेड ऑफ पोर्सिलीन और स्टेनलेस स्टील ओवर अ वाटर बाथ। अब क्या किया जाता है, स्मॉल स्केल है या लैब में है, लेबॉरेटरी में है,
लैब्स में किस तरह परफॉर्म किया जाता है, हमारे पास या तो स्टेनलेस स्टील बेसिन होता है जिसके अंदर हम वैक्सीज को मेल्ट डाउन करते हैं, या फिर हमारे पास पोर्सलिन की डिश होती है, पोर्सलिन का बर्तन होता है जिसको यूज़ करते हैं मेल्ट करने के लिए। ऊपर टॉप में आपको स्टेनलेस स्टील का नज़र आ रहा होगा और नीचे पोर्सलिन है उसका, उसको यूज़ करते हैं। इन लार्ज स्केल इट इज़ कैरीड आउट बाय स्टीम जैकेटेड वेसल्स। लार्ज स्केल में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी स्टीम जैकेटेड वेसल्स होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल में, इंडस्ट्रियल स्केल में। विग्रेस हीटिंग कैन कॉज एरेशन विच शुड बी अवॉइडेड। अब क्या है कि जब हम मिक्स करेंगे उनको बेसिस को, तो हमने जब लिक्विफाई हो जाएगा तो हमने विग्रेस उसमें स्टिरिंग नहीं करनी, ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाना नहीं है। जब हम ज़ोर ज़ोर से उसको मिक्स करेंगे तो उसके अंदर एयर उसके अंदर शामिल हो जाएगी जो शामिल नहीं होनी चाहिए। इम्प्योरिटीज़ और एनी फॉरेन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय फिल्टर द मेल्टेड मिक्सचर वाइल हॉट। अगर आप जब हम उसमें बेसिस को वैक्सिस को जब हम मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट होने के बाद जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो अगर हमें उसमें कोई इम्प्योरिटी नज़र आए या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल नज़र आए तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। या तो हम फिल्टर कर लेंगे या तो इम्प्योरिटीज़ उसके नीचे बैठ जाएंगी, उसके ऊपर से हम जो है लिक्विड वो सब अलग कर लेंगे और जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे रह जाएंगी। ठीक है, ये भी जो है उसको हमने देखना है। तो प्रोसीजर क्या है, फ्यूजन का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल, सिंपलेस्ट प्रोसीजर है। सिंपल सा ये टॉपिक है कि हम उसमें बेसिस के लिए ऑइंटमेंट बनाने के लिए जो बेसिस हम यूज़ करते हैं उनको मेल्ट करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं, उसको ड्रग को या सब्सटेंसेस जो हैं उसको उसमें ऐड करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं और वो हमारे पास प्रिपरेशन तैयार होती है। ये प्रोसीजर था जो परफॉर्म किया जाता है फ्यूजन के मेथड में। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ऑपरेटस नज़र आ रहा होगा। एक तो है स्टीम जैकेटेड वेसल है, ये लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल स्केल में इसको यूज़ किया जाता है फ्यूजन के लिए। इसके अलावा पोर्सलिन बेसिन है और स्टेनलेस स्टील बेसिन है, ये लैब्स में यूज़ किया जाता है इनको स्मॉल स्केल में। लार्ज स्केल में हम स्टीम जैकेटेड वेसल्स यूज़ करते हैं और स्मॉल स्केल में हम पोर्सलिन बेसिन और स्टेनलेस स्टील बेसिन यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटस था फ्यूजन का। एप्लीकेशंस क्या है फ्यूजन की, फ्यूजन मेथड इज़ यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट ड्रग कंपोनेंट्स इनटू बेस। एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ड्रग कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं बेस में। जैसे पहले प्रोसीजर में आपको बताया गया है, बेस को मेल्ट किया जाता है, उसके अंदर फिर ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स कंटेनिंग वाइट वैक्स, येलो वैक्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन प्रोसेस। ऑइंटमेंट्स और क्रीम जो होती हैं उसमें वैक्सीज यूज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइट वैक्स है, येलो वैक्स है या बीज वैक्स है, उनको फ्यूजन मेथड से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्यूजन मेथड बेसिकली ऑइंटमेंट और क्रीम्स के लिए, उनकी बेसिस को मेल्ट करने के लिए ये फ्यूजन मेथड जो है वो प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा फ्यूजन का प्रोसेस था, फ्यूजन का टॉपिक था। बहुत ही जो है स्मॉल टॉपिक है, इतना लेंथी नहीं है, आसान है ये आपके समझने के लिए भी। आज का ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है इग्निशन। इग्निशन किसे कहते हैं, इग्निशन इग्नाइट जो है उससे निकला है, इसका मतलब है जलाना। जला के जो है किसी भी सब्सटेंस को उसको राख में, ऐश में कन्वर्ट कर देना, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हैं तो उसको हम जलाते हैं, जला के उसको ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, राख में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इग्निशन जो है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट मेथड है, डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स को जो है इग्निशन के प्रोसेस से इसमें
हमारे पास जो है फर्नेसेस या फिर इंसिनरेटर यूज़ होते हैं, भट्टियाँ होती हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स को है वो जलाया जाता है, उसको ऐश में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा ड्रग्स जो हैं, हमने फार्माकोलॉजी में जैसे पढ़ा था उसमें ऐश टेस्ट होता है उसमें ड्रग्स का, तो वो ऐश टेस्ट भी जो है वो इग्निशन की वजह से ही होता है, उसमें जलाया जाता है उसको मुकम्मल तौर पर ड्रग को, उसके बाद वेट किया जाता है। तो ये फार्मास्यूटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, प्रोसेस है इग्निशन का जो यूज़ किया जाता है। इग्निशन के टॉपिक को पढ़ते हैं। इग्निशन द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्गली हीटेड अंटिल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं उनको बहुत जो है टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है कि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाए। ऐश का मतलब होता है राख, ऐश में कन्वर्ट हो जाए। आपने देखा होगा कि जब हम लकड़ी जो है उसको जलाया जाता है, वो भी एक तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको जब जलाया जाता है तो वो आखिर में उसकी ऐश बन जाती है, वो राख बन जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द एक्सेस ऑफ एयर अंटिल द कार्बन एटम्स हैज बर्न्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये मिस्टेक है, इसमें C2O नहीं है, CO2 है, एंड रिमेनिंग रेजिड्यू ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ऐश। क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम हीटअप करते हैं हाई टेम्परेचर पे कि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और एयर की मौजूदगी में ही जो है ये हीटिंग का प्रोसेस होता है इग्निशन का। इग्निशन इज आल्सो कॉल्ड इंसिनरेशन। इंसिनरेशन है जिसमें जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, और इंसिनरेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, भट्टी यूज़ की जाती है जिसको आम जुबान में हम कहते हैं। लैब्स में भी होती हैं इंसिनरेटर्स, और लार्ज स्केल में भी जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन इग्निशन प्रोसेस टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इग्निशन के प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रखना होता है। द टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड बाय पुटिंग प्लेटिनियम क्रूसिबल्स इन फर्नेस। अब हमारे पास प्लेटिनम क्रूसिबल्स होते हैं, ऐसे बर्तन होते हैं जिसके अंदर हम जिस चीज़ को हमने हीट जलाना होता है उसके अंदर उसको रख देते हैं, और या फिर वो पिघलाने के लिए भी यूज़ होते हैं ये वाले बर्तन, लेकिन हमने उसको ऐश में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर हम उसको प्लेस कर देते हैं, जिसको भी हमने सब्सटेंस को हमने हीटअप करना है, जलाना है। दिस मेथड इज़ यूज इन फार्मेसी इन विच द केमिकल सब्सटेंसेज आर स्ट्रॉन्गली हीटेड अंटिल इट्स कार्बनस पार्ट बर्न एंड इट्स इनऑर्गेनिक रेजिड्यू लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ऐश। अब फार्मेसी में हम उसको क्या करते हैं कि केमिकल सब्सटेंस हमारे पास है, उसको हीट अप करते हैं, उसका जो कार्बन पार्ट होता है वो बर्न हो जाता है, और जो इनऑर्गेनिक उसका रेजिड्यू है वो पीछे रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऐश। ठीक है, ये ऐश के बारे में था, इग्निशन का जो है उसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट, इंसिनरेटर्स जो होते हैं या फिर उनको फर्नेसेस भी कहते हैं, भट्टियां होती हैं एक तरह से जो लार्ज स्केल में, स्मॉल स्केल्स में यूज़ की जाती हैं, बड़े पैमाने पे भी और लैब्स में भी यूज़ की जाती हैं इनको, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ए और बी जो है ये थोड़े लार्ज स्केल में हम इसको यूज़ करते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी इसमें जलाया जाता है। इसके अलावा आपको सी में जो नज़र आ रहा है लैब्स में यूज़ होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल साइज में इसको यूज़ किया जाता है लैब्स में। तो ये इंसिनरेटर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इग्निशन के प्रोसेस में। ऐश टेस्ट ऑफ ड्रग्स। ऐश टेस्ट जो है वो ड्रग्स का किया जाता है,
देखा जाता है उनका स्टैंडर्ड, उनका जो है इम्प्योरिटीज़ को चेक किया जाता है कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं। ड्रग्स आर स्टैंडर्डाइज बाय दिस मेथड, ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं इस मेथड से। इफ 1 ग्राम ऑफ ड्रग इज हीटेड इट इज कन्वर्टेड इंटू 0.06 to 0.07 ग्राम ऑफ ऐश। अगर हमारे पास 1 ग्राम ड्रग है और उसको हमने हीट अप किया है तो हमारे पास 0.06 to 0.07 ग्राम ऑफ ऐश आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ड्रग। ठीक है, वो स्टैंडर्ड होगी जब हम उसको ऐश में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू उसकी आनी चाहिए। इफ इट प्रोड्यूस मोर देन 0.07 ग्राम और लेस देन 0.06 ग्राम ऑफ ऐश देन इट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड ड्रग। अगर हम उसको ऐश में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारे पास वो 0.7 ग्राम से कम आ रही है, 0.7 ग्राम से ज़्यादा है या फिर 0.6 ग्राम से कम है तो वो सब स्टैंडर्ड ड्रग होगी। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है इग्निशन का, जिसमें हम ड्रग को ऐश में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका वेट किया जाता है उसका ऐश में कन्वर्ट करने से पहले और ऐश के बाद। उसके बाद जो है उसकी कैलकुलेशन की जाती है और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि वो ड्रग जो है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो ये टेस्ट है ड्रग्स का, ये परफॉर्म किया जाता है इग्निशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं इग्निशन के टॉपिक में और क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इग्निशन, इग्निशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। दिस प्रोसेस इज यूज टू क्लीन द एनवायरमेंट। अब इग्निशन जो है, इग्निशन का जो प्रोसेस है जिसमें जलाया जाता है और उसको ऐश में कन्वर्ट किया जाता है, तो इन्वायरमेंट को, माहौल को साफ रखने के लिए इग्निशन का प्रोसेस किया जाता है। वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको फर्नेसिस में, उसको इंसिनरेटर में जलाया जाता है। इसके अलावा मेडिकल वेस्ट जो होता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, फार्मेसीज में, जितना भी वेस्ट होता है उसको जो है वो इंसिनरेटर में, इन फर्नेसिस में जलाया जाता है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होती है। दिस प्रोसेस इज यूज टू स्टैंडर्डाइज ड्रग्स। जैसे अभी हमने पहले टॉपिक में पढ़ा है, लास्ट टॉपिक में, इसमें लास्ट जो हेडिंग थी उसमें पढ़ा है हमने कि ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज जो है वो किया जाता है इस प्रोसेस के ज़रिए। दिस प्रोसेस इज यूज टू डिटर्मिन द इम्प्योरिटीज ऑफ द ऑर्गेनिक साल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स सिट्रेट है बेंजोएट एंड मैनी ड्रग्स। इसमें इम्प्योरिटीज़ जो है जब हम उसको ऐश में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ड्रग्स जो हैं हम उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ उसमें पाई जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है इग्निशन का जो यूज़ किया जाता है। लार्ज स्केल में भी इसको यूज़ किया जाता है, स्मॉल स्केल में भी यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, जितनी भी जगह पे होते हैं वेस्ट मटेरियल, वहाँ पे जो है इसको इग्निशन के ज़रिए इसको ख़त्म किया जाता है वेस्ट मटेरियल्स को। इसके अलावा ड्रग्स जो हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है इस मेथड से, उसको ऐश में कन्वर्ट किया जाता है और ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो आज ये इग्निशन का टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा लेंथी नहीं था। आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, फ्यूजन एंड इग्निशन। बहुत ही आसान टॉपिक हैं, आपके लिए समझना आसान होगा, मुश्किल नहीं है इसमें कोई भी चीज़। तो आज के हमारे दोनों टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होते हैं, हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 में से न्यू टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।